यह नज़ारा है मुंबई शिवडी का, जहां जश्न ईद मिलाद उन नबी मुबारक बात के नारे लगाते हुए बच्चे बड़े सभी जुलूस में शामिल नजर आए। इन सभी का स्वागत करते हुए इन लोगों के लिए जलपान का इंतजाम किया प्रसिद्ध समाज सेवक मोहम्मद हसन, जो बीजेपी अल्पसंख्यक विभाग वार्ड 201 के अध्यक्ष भी हैं। इन्होंने इस दौरान तेज तर्रार विधायक कालिदास कोलमकर के साथ साथ अरबाज खान, प्रकाश बेन बंसी, बाला साहेब मुंडे और कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। देखो, 1990 से मैं नायगांव में विधायक हूँ। आज मेरे 8वीं टर्म है। ये जो त्योहार जो आता है, दर बरस में एक कार्यक्रम में मैं आता हूँ। मेरे मुस्लिम भाइयों का जो जो काम है, वो काम कभी मैं ना नहीं बोला। मैं बच्चों का एडमिशन होना दो और बीएमसी का कुछ भी काम हो, सेंटर का काम हो, स्टेट गवर्नमेंट का काम हो, कभी ना नहीं मेरे मुंह से। और 40 बरस मैं देर से मेरा मुस्लिम कौम का मैं काम करता हूँ। आज का त्यौहार के दिन मैं इन लोग को देर से शुभेच्छा देता हूँ। पहले तो मैं सभी मुस्लिम भाइयों को और मेरे जितने भी मुसलमान भाई है, सभी को ईद मिलादुन्नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और दूसरा ये जो हर साल मनाया जाता है, हमारे पैगंबर की पैदाइश का दिन है ये, तो हम लोग है ना, यहाँ हर मुस्लिम मिलजुल के, कहाँ के भी, बाहर से भी लोग यहाँ आते हैं, सभी भाईचारा से रहते हैं, मिलते हैं, जाते हैं, यहाँ से सभी लोग एक दूसरे को मदद करते हैं। और हमारे कार्य सभा श्री कालिदास कोलमकर जी, उनका 40 बरस से इसमें बहुत बड़ा हम लोग को सपोर्ट है हर चीज़ के लिए। हर चीज़ बोलो तो हर चीज़ उसमें हम लोग को, ये प्रोग्राम के लिए भी, प्लस हम लोग को कोई तकलीफ हो, दवाखाना बोलो, एडमिशन बोलो, पुलिस स्टेशन बोलो, कोई भी काम रहे, हमारे लिए कभी भी दिन रात 24 घंटा हमारे लिए तैयार है। इसलिए हमें इतना सुकून से, हम लोग 40 बरस से हम लोग सुकून से रह रहे हैं। हमें और किसी एमएलए की भी ज़रूरत नहीं है। हमारे एमएलए सिर्फ कालिदास कोलमकर है। और हमारे ईद में, ईद के मौके पे मैं इतने बड़े दिन में एक ही, मैं मेरे से मन में एक ही मेरी तमन्ना है कि हमारे साहब को अपना मंत्री पद मिल जाए। ईद मिलादुन्नबी का जो दिन है हमारा, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो खिताब दिया गया है अल्लाह की तरफ से, रहमतुल मुस्लिमीन नहीं है, ये रहमतुल आलमीन है। पूरी दुनिया के लिए इनको रहमत बना के ऊपर वाले ने भेजा है। उसमें हम सब आज इनका इतना बड़ा दिन है, ये पूरी दुनिया में ज़ोरों शोर से मनाया जाता है। उसी तरह से हमारे भारतवर्ष के अंदर भी और गली गली मोहल्ले मोहल्ले के अंदर इस प्रोग्राम को दिल से खुशी से लोग मनाते हैं। इसमें कोई भेदभाव वाली कोई बात नहीं है। और इस इलाके के अंदर हमारे एमएलए साहब, चाहे हमारा डोंगर बाबा का संदल का होने दो या ये नीलामी का प्रोग्राम होने दो, कोई भी चीज़ इसमें ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे इतने लोग, हमारे भाई लोग, हिंदू भाई हमारे साथ काफ़ी सारे यहाँ पे आए हुए, ये हमारे साथ दिल से दिल मिला के इस प्रोग्राम को और कामयाब करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए मैं माध्यम से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कालिदास कोलमकर साहब जो एमएलए है, और उन जैसे एमएलए किधर ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनका इतना भरोसा और इतना प्यार शायद ही किसी कोई एमएलए से किसी दूसरे कार्यकर्ताओं को मिल सकता है जो मोमेंटन रहे। इतना प्यार साहब हमारे से करते हैं। और हमारे वार्ड में
201 वार्ड में इतना प्यार है, और पूरे वडाला विधानसभा में जिधर जिधर मोमेंटन है कार्यकर्ता उनके, सभी मोमेंटन पट्टों पे साहब ने अपने रमजान ईद के दिन कैलेंडर छाप के दिए, अभी ईद मिलादुन नबी के दिन ये पूरे वार्ड में साहब के आशीर्वाद से जितना सब है यहाँ पे लोगों को जो इतना उत्साह करने मिल रहा है। मम्मा आप यहाँ ही से खाली रे रोड चले जाइए, वहाँ पे किसी को इतना कुछ ऐसा शोर शराबा करने नहीं मिल रहा है। ये हमारे साहब के आशीर्वाद से जो है यहाँ पे सब हो रहा है, इनकी दुआ से और इनके साथ के वजह से जो आज हम लोग यहाँ पे ईद बुलंदी पे आ चुके हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा और कुछ नहीं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। साहब का प्यार हमेशा हमारे साथ बने रहे।